आज चलते हैं एक अनोखे और पवित्र सफर पर, शिरडी जहाँ साईं बाबा का आशीर्वाद है और शनि शिंगणापुर जहाँ शनि भगवान विराजमान है। जानेंगे ये जगह की इम्पोर्टेंस जो आपको ज़रूर इंस्पायर करेगी और देखेंगे नए और सुंदर प्लेसेस। तो चलो ये खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। Guys, it's Rishma and welcome to my channel and welcome from the Shirdi Shani Shingnapur vlog. ये बहुत ही होली पिलग्रिम साइट है और यहाँ पे कई सारे टेम्पल्स आप विजिट कर सकते हैं, बहुत सारे अट्रैक्शन है जो आप कवर कर सकते हैं एंड कैसे ही आप दो दिन में सारे प्लेसेस को देख सकते हैं। कीप ऑन वॉचिंग द एंटायर वीडियो टू नो द कम्प्लीट आइटनरी। इस वीडियो में मैं सारे चीज़ें कवर करूँगी, जैसे बजट क्या होगा, लोकेशन क्या होगा, होटल्स क्या होगा, फूड एंड ऑल द अदर अट्रैक्शन। सो कीप ऑन वॉचिंग। मुंबई से शिरडी की डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली 250 किलोमीटर, पुणे से 190 किलोमीटर और नासिक से 90 किलोमीटर। यहाँ आने के लिए बसेस है फ्रॉम मेजर सिटीज। शिरडी का खुद का एयरपोर्ट भी है और ट्रेन की भी यहाँ पे फैसिलिटी है। मैं आई थी शिरडी वंदे भारत एक्सप्रेस से, जिसने बस 5.5 घंटे में मुझे शिरडी पहुँचा दिया। आप चाहे तो शिरडी का वीकेंड में वन डे दर्शन भी कर सकते हैं। सुबह वंदे भारत पकड़ना जो 12 बजे से पहले पहुंचा देता है शिरडी। रेलवे स्टेशन से बस 20 रुपये की शेयरिंग रिक्शा है टेंपल के लिए। साईं बाबा के दर्शन ले लो और शाम को 5:25 की रिटर्न ट्रेन से वापस घर। बट मैं कर रही हूँ 2 day 1 night का शिरडी शनि शिंगणापुर दर्शन, इसीलिए रेलवे स्टेशन से मैंने रिक्शा किया टू माई होटल, जिसने 100 rupees चार्ज किया और होटल में चेक इन कर दिया। ऑलराइट, सो ये हमारा रूम है। दिस इज द होटल साई जशन, जो मंदिर से देखा जाए तो बस 10 मिनट की दूरी पे है। एंड द ग्रेट थिंग अबाउट दिस होटल इज दैट ये लोग फ्री कार सर्विस प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम द होटल टू द मंदिर एंड मंदिर टू होटल, व्हिच इज ग्रेटली अप्रिशिएटेड। टॉकिंग अबाउट द रूम, ये काफ़ी अच्छा स्पेशियस रूम है, काफ़ी सनलाइट भी आता है। यहाँ पे हमारा एक ड्रेसिंग टेबल है, रेडी होने के लिए डेस्क एरिया है, एमिनिटीज़ दिए हैं, चाय पत्ती वगैरह, पानी का बॉटल, ये एक बहुत ही कंफर्टेबल बेड है यहाँ पे, एंड उसके सामने है टीवी। यहाँ पे है वॉशरूम एरिया, वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा है, उसमें भी एमिनिटीज दी है, जैसे सोप शैम्पू वगैरह सब दिया है। एंड यहाँ से बढ़ के है हमारे पास एक लगेज एरिया। टॉकिंग अबाउट द लगेज, आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस टू यू माई न्यू ट्रेवल कंपेनियन, द होबो 40 फ्रॉम द ब्रांड कैरी प्रो। सो दिस इज अ 40 liter बैग, इसका मतलब है कि आप डे ट्रिप से लेके लॉन्ग ट्रिप, सभी ट्रिप्स के लिए ये बैग को इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही स्पेशियस है, इट्स ड्यूरेबल, प्लस इट्स वाटर रेजिस्टेंट एज वेल। इट डज कम विद अ रेन कवर एज वेल, ऑल्सो इट कम्स विद लाइक वाइड स्ट्रैप्स एंड आगे यहाँ से बकल करने की जगह है टू गिव एक्स्ट्रा सपोर्ट। सो दिस बैग इज अवेलेबल इन मल्टीपल कलर्स ऑन द वेबसाइट एंड यू कैन अवेल अ 10% डिस्काउंट ऑन दिस बैग और एनी अदर बैग दैट कैरी प्रो हैज टू ऑफर यूजिंग द कोड ग्रिश्मा प्रो। चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू नो मोर इन्फॉर्मेशन। हम जा रहे हैं श्री शनि शिंगणापुर के मंदिर को, जो शिरडी से 1.5 hours की डिस्टेंस पे है। उसके लिए यहाँ पे जाने के दो तरीके हैं, आइदर यू कैन हायर अ प्राइवेट कार जो 2000 rupees चार्ज करता है, या फिर शेयर टैक्सी के थ्रू आ सकते हैं जो 200 पर पर्सन चार्ज करता है। शेयर टैक्सी आपको शिरडी के टेम्पल से डायरेक्टली बाहर मिल जाएगा, या फिर प्राइवेट कार करना है तो होटल के थ्रू कर सकते हैं, या फिर उन्हीं शेयर टैक्सी वालों से बात करके आप कर सकते हैं। तो आई हैव टेकन द प्राइवेट कार। प्राइवेट कार मैंने अपने होटल जशन से ही बुक डायरेक्टली किया है। ऑन द वे कई सारे आपको रेस्टोरेंट्स मिलेंगे जहाँ पे आप खाना खा सकते हो। सो करंटली मैंने यहाँ पे लंच किया एट अ प्लेस कॉल एज स्ट्रॉबेरी, इट्स अ प्योर वेज रेस्टोरेंट एंड दे सर्व ऑल टाइप्स ऑफ कुजीन्स। सो क्वाइट सिंपल खाना यहाँ पे खाया, क्वाइट अफोर्डेबल एज वेल एंड द फूड वॉज एवरेज। बट अभी ये लंच हो चुका है यहाँ से एंड नाउ वी आर मूविंग फर्दर टू गो विजिट द टेम्पल। लेट्स गो। So
ऑन द वे टू शनि शिंगनापुर यहाँ पे ये स्पेशलिटी है यहाँ का कि यहाँ पे गन्ने का जूस मिलता है एंड एज यू कैन सी ये बैल के मैकेनिज्म से चलता है एंड दिस इज अ वेरी स्पेशल थिंग अबाउट दिस प्लेस। सबसे पहले किए श्री शनि भगवान के दर्शन। ये मंदिर शिंगनापुर ये गांव में लोकेटेड है और इस गांव की खास बात यह है कि यहाँ के घरों में ताले नहीं हैं और कुछ घरों में तो दरवाजे भी नहीं हैं। यहाँ कोई चोरी नहीं होती है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शनि भगवान स्वयं इस गांव की रक्षा करते हैं। मंदिर के अंदर दूर से तेल चढ़ा सकते हैं और अगर खुद से शनि भगवान पर तेल चढ़ाना है तो उसके लिए एक स्पेशल पास लेना पड़ता है 500 रुपीज़ का जो टेंपल से डायरेक्टली ले सकते हैं। सो मेरा दर्शन अभी बहुत अच्छे से हो गया शनि महाराज के टेंपल में। थोड़ा भीड़ यहाँ पे ज़रूर था बिकॉज आज सैटरडे है एंड सैटरडे उनका दिन माना जाता है इसके लिए, बट इफ़ यू वॉन्ट इट टू बी लेस क्राउडेड तो आप सैटरडे छोड़ के कोई और दिन पे आ जाना, तब इतना भीड़ नहीं होगा। टाइमिंग की बात करें तो अराउंड लाइक 5 AM इन द मॉर्निंग ओपन होता है टेंपल और 10-11 PM तक ओपन रहता है। सो इट्स ओपन ऑल डे लॉन्ग, तो आप कभी भी विजिट कर सकते हो। सैटरडे शुभ माना जाता है बट हाँ, तभी आपको भीड़ ज़रूर मिलेगा। दर्शन लेने के बाद बाहर आते समय वहाँ पे प्रसाद भी मिलता है फॉर 20 rupees। दिस इज़ अ प्रसाद दैट इज़ गिवन बाय द टेम्पल देमसेल्फ, तो आप वो भी लेके जा सकते हो अपने लिए या फिर किसी को बांटने के लिए घर जाते हैं। मंदिर के बाहर एक नया अट्रैक्शन बना रहे हैं, ये जो मेरे आप पीछे देख रहे हो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द अट्रैक्शन एंड ये अभी करंटली कंस्ट्रक्शन चालू है पर ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा बना रहे। आई बिलीव यहाँ पे बाजू में लेक आने वाला है एंड पीछे नवग्रह का मंदिर है, ब्रिजेस है, यहाँ पे स्टेयर्स है, गार्डन्स है एंड बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा बनाया है। ये नया है तो आई थिंक कुछ महीनों में तैयार हो जाएगा फॉर पब्लिक टू विजिट। आसपास कई सारे शॉप्स हैं जो आप मेरे पीछे देख सकते हो, मंदिर के लेन में भी है प्लस ये पार्किंग एरिया के वहाँ पे भी है। यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें मिलती है पूजा सामग्री के अलावा, यू कैन बाय बैंगल्स, ज्वेलरी, यू कैन बाय टॉयज, की चेन्स, होम डेकोर, बैग्स एंड ऐसे कई सारे चीज़ें। सो यू कैन स्पेंड सम टाइम ओवर हियर आफ्टर विजिटिंग द टेम्पल। रेणुका देवी का मंदिर जिसे कांच का मंदिर भी कहते हैं, ये जो मेरे पीछे देख रहे हो दिस इज द एंशिएंट टेंपल दैट यू कैन कम एंड विजिट। थोड़ा सा कच्चा रास्ता है टू कम इनसाइड बट यहाँ पे पार्किंग है, फैसिलिटी है, सब कुछ है, सो यू कैन कम एंड टेक दर्शन। तो अभी अंदर जाते हैं, मंदिर के दर्शन पहले लेते हैं। रेणुका देवी का मंदिर जिसे कांच का मंदिर भी कहते हैं, पूरे फ्लोर, सीलिंग और वॉल्स पे यहाँ पे कांच लगाए हुए हैं, इसके वजह से ये मंदिर और भी खूबसूरत दिखता है। मुझे याद है मैं बचपन से ये मंदिर आ रही हूँ एंड ये बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत ही शांत और कामनेस है। यहाँ पे नीचे आप जाओगे तो वहाँ पे भी एक देवी का दर्शन आप ले सकते हो नीचे उतर के। और यहाँ पे और एक खास बात यह है कि एंट्री करते हुए एक पॉट रखा हुआ है जहाँ पे आप कॉइन्स डाल सकते हो और ऐसा यहाँ पे माना जाता है कि अगर आपका कॉइन उस पॉट में गया तो और आपका विश पूरा होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। शिरडी वापस आते टाइम हमें मिलता है श्री कोलारेश्वर मंदिर जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। ये मंदिर बना हुआ है ट्रस्ट फंड से, इसका मतलब है कि जो गांव में बहुत सारे मंदिर है उनके जो डोनेशन बॉक्स से पैसे आते थे उससे ये मंदिर बना हुआ है, विच इज़ सो इंटरेस्टिंग टू नो। यहाँ पे शिव जी का मेन भगवान है, इसे शिरडी जाते वक्त शनि शिंगनापुर से ज़रूर विजिट करना।
वापस आके लाइट एंड साउंड शो देखा एट द साई तीर्थ पार्क, जो बहुत ही सुंदर था। बाबा के मंदिर के पास ही हमने डिनर भी किया। बहुत सारे ईटरीज और रेस्टोरेंट्स है यहाँ, एंड दैट्स हाउ द डे वन एंडेड। बाबा के दर्शन लेने के, एक तरीका है फ्री टिकट, जिसमें आपको मिनिमम 1.5 hours to 3 hours भी लग सकता है डिपेंडिंग अपॉन द डेट दैट यू विजिट। 4 places है गेट्स है जहाँ पे आपको राउंड राउंड घूमना है, एंड कभी कभी ये सब बहुत ही भीड़ हो सकता है। दूसरा टिकट है जो है पेड वाला टिकट, विच इज़ 200 rupees का, जिसमें आप काफ़ी लाइन स्किप कर सकते हो आगे बढ़ने के लिए। एंड थर्सडे सैटरडे और संडे ज़्यादा भीड़ रहता है, सैटरडे संडे बिकॉज वीकेंड है और थर्सडे बिकॉज शिरडी साई बाबा का दिन है। और कोई भी हॉलीडे रहेगा तभी भी ज़्यादा भीड़ रहता है, या फिर स्कूल वैकेशन होता है तभी भी रहता है। बट अदर देन दैट अगर आप नॉर्मल वीकडेज पे आते हैं तो कंपेरेटिवली लेस भीड़ मिलता है। और भी बहुत ज़्यादा भीड़ है और आपके पास टाइम नहीं है तो मुख दर्शन का भी यहाँ पे ऑप्शन है। टेम्पल टाइमिंग की बात करें तो टेम्पल 5 AM to 10:30 तक रात तक खुला रहता है, तभी आप विजिट कर सकते हो। ये रात का लास्ट आरती होता है 10 PM को, उसके बाद सारे टेम्पल एंट्री बंद हो जाता है। सो मेक श्योर दैट यू प्लान योर विजिट हियर अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग एंड द डे, सो दैट आपको भीड़ ना मिले और आपका दर्शन अच्छे से हो। मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को बाहर लॉकर्स में जमा करना है मंदिर जाने से पहले, जिसका 5 rupees कॉस्ट है। और चप्पल्स के लिए भी कई सारे फ्री स्टैंड्स हैं यहाँ। तो ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं द्वारका मई, एक ज़माने में मॉस्क हुआ करता था जो साई बाबा ने एक पिलग्रिम साइट में कन्वर्ट किया था। यहाँ पे साई बाबा का एक बड़ा सा फोटो है जिसके दर्शन आप ले सकते हो। एंड इसके अलावा यहाँ पे एक फायर है जो साई बाबा ने खुद अपने हाथों से लिट किया था, वो आज तक जलता आ रहा है। सो हेंस इट्स कंसिडर्ड अ वेरी होली एंड अ वेरी पिलग्रिम साइट दैट यू कैन कम एंड विजिट। ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स में ही है। प्रोसेशन निकालते थे फ्रॉम द्वारका मई टू चावड़ी, एंड दिस इज टू हैपन एवरी ऑल्टरनेट डेज। एंड चावड़ी के एग्जैक्टली सामने है हाजी अब्दुल बाबा का कॉटेज, हु इज वन ऑफ द मोस्ट लॉयल फॉलोवर्स ऑफ साई बाबा, जो भी आप अंदर जाके विजिट कर सकते हैं। दक्षिणमुखी हनुमान जी का मंदिर भी है, ये बहुत ही रेयर होता है। यहाँ पे हनुमान जी साउथ फेसिंग है। ये जो मेरे पीछे देख रहे हो दैट इज़ द टेम्पल, साई बाबा टेम्पल के एग्जिट एरिया में आता है, जो आप विजिट कर सकते हैं। टेम्पल एरिया के आसपास कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं और उनमें से एक रेस्टोरेंट में मैंने ब्रेकफास्ट किया। खाने के लिए यहाँ पे कई सारे वैरायटीज है इन सारे रेस्टोरेंट्स में। यहाँ पे 2 rupees की चाय और 3 rupees की कॉफ़ी मिलती है, मतलब ये ज़माने में ये प्राइसेस आपको कहाँ मिलेंगे। ये है शॉप जो मंदिर के एग्जिट के वहाँ पे लोकेटेड है, दिस इज़ द शॉप दैट यू सी बिहाइंड मी। एंड अभी सुबह का वक्त होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, मंदिर स्टार्ट होने से मंदिर बंद होने तक ये शॉप खुली रहती है। आसपास एरिया में बहुत सारे शॉप्स हैं, जैसे कि पूजा सामग्री मिलता है, स्वीट्स मिलता है, टॉयज़ मिलता है, ज्वेलरी है, बैंगल्स है, एक्सेसरीज है, की चेन्स है, और भी कई सारे चीज़ें हैं जो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। खंड
भगवानों का मंदिर जो है शिव का एक रूप, साई बाबा के टेम्पल से बस 5 से 7 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस की दूरी पे है। एंड ये टेम्पल की खासियत साई बाबा से इसीलिए जुड़ा जाता है बिकॉज दिस वॉज अ टेम्पल दैट साई बाबा फर्स्ट विजिटेड व्हेन ही केम टू शिरडी। तभी यहाँ के पंडित जी ने उन्हें आओ साई करके पुकारा था एंड हेंस ही वाज कॉल्ड एज साई बाबा फ्रॉम दैट एग्जैक्ट पॉइंट। इसीलिए ये मंदिर काफी प्रोमिनेंट है इस लोकेशन में एंड काफी लोग यहाँ पर विजिट करते हैं। ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर्स की दूरी पे है साई हेरिटेज विलेज। ये एक अट्रैक्शन बनाया गया है जिसमें साई बाबा के स्टोरी डिपिक्ट किए हैं इन फॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड स्टैचूज जो आप अंदर जाके विजिट कर सकते हो। अगर आपके पास समय है तो यू कैन कम एंड विजिट दिस प्लेस। इसका एंट्री टिकट है 150 रुपीज पर पर्सन, थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो चलो अंदर जाके देखते हैं कि अंदर क्या क्या है। साई बाबा के अनेक रूप दिखाई देते हैं, जैसे मेरे पीछे वो एक बच्चे को उनके काम में मदद कर रहे हैं क्योंकि साई बाबा बहुत ही गिविंग नेचर के थे तो उनके स्टोरीज यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती से डिपिक्ट किए गए हैं ये गांव के माध्यम से। एंड वाकई में लगता है कि आई एम गोइंग साइड अ विलेज बिकॉज एक तो इतने सारे नेचर से घिरा हुआ ये जगह है, बहुत सारे ट्रीज बनाए हैं एंड ये जो छोटे छोटे घर है ये ह्यूमन साइज घर है इंक्लूडिंग द स्टैचूज दैट दे हैव क्रिएटेड। सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टू लुक एट इट। यहाँ कैमल या हॉर्स राइड कर सकते हो, मिनी टॉय ट्रेन या रोपवे है जो पूरे पार्क का एक एरियल व्यू देते हैं जिसका चार्ज 40 रुपीज पर पर्सन है। यहाँ पे मैजिक शो भी देख सकते हैं एंड छोटा सा प्ले एरिया भी है फॉर किड्स। सो ये रहा पार्क। इतने ज़्यादा अट्रैक्शन यहाँ पे है नहीं एंड इट्स नॉट द नाइसेस्ट मेंटेन, बट हाँ वन टाइम विजिट के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो। ये देखने के बाद होटल से चेकआउट कर लिया, बैग्स होटल में ही रखा और निकल पड़े साई तीर्थ डिवोशनल थीम पार्क देखने। ये इंडिया का सबसे पहला डिवोशनल पार्क है एंड इस जगह की मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। डेडिकेटेड टू साई बाबा, ये शिरडी आके अपने लिस्ट में ज़रूर ऐड करना। सो मैं वापस आ गई हूँ साई तीर्थ पार्क से एंड वो एक्सपीरियंस फैंटास्टिक रखा। हमें बहुत सारी चीज़ें साई बाबा के बारे में पता चला एंड द होल एक्सपीरियंस द कमर्सिव एक्सपीरियंस वाज मैजिकल एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू विजिट दैट पार्क। उसका एक सेपरेट वीडियो भी आने वाला है चैनल पे विच इज़ आफ्टर दिस वन। मेक श्योर दैट यू स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट नोटिफाइड व्हेन दैट वीडियो गोज लाइव। अभी मैं आ चुकी हूँ साई नगर के रेलवे स्टेशन में एंड आई एम गोइंग बैक होम टू मुंबई। ये जो मेरे पीछे देख रहे हो दैट्स द वंदे भारत दैट आई एम ट्रैवलिंग विद एंड दिस वाज माय लास्ट डे हियर इन शिरडी एंड आई नो डेफिनेटली दैट आई विल बी बैक अगेन बिकॉज मैं बचपन से आती जा रही हूँ। तो मुझे यहाँ पे आके काफी अच्छा लगा, साई बाबा के भी बहुत ही सुंदर दर्शन हुए, हमने शनि शिंगणापुर भी कवर किया और आसपास के सारे टेम्पल्स एंड अट्रैक्शंस भी। तो ये सफर मेरा काफी सुंदर था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू मेड इट दिस फार मेक श्योर टू गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। This is me, Grishma, signing off. Until I meet you again in a new place, in a new city. Bye-bye.